हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत। कल मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के मैच के साथ आईपीएल 2020 का आगाज़ हुआ, लेकिन इस मैच में कई ऐसी चीज़ें थीं, अगर आपने पूरा मैच भी देखा है तो शायद इन अजीब बातों को आपने नोटिस ही नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, जब मैच स्टार्ट हुआ तो आपको ध्यान में होगा कि टाइमिंग से कुछ मिनट देरी से मैच स्टार्ट हुआ। इसका कारण बने रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, बता दूँ कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कप्तान थे और एमआई के कप्तान थे रोहित शर्मा, लेकिन जब बल्लेबाजी पर रोहित शर्मा उतरे तो स्टेडियम में लगी साइड स्क्रीन जो होती है उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई। और आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा कुछ इशारे करते हुए स्टार्टिंग में हमें नज़र आते हैं। दोस्तों बता दूं कि साइड स्क्रीन को लेकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और बाद में इस गलती को नोटिस किया गया, जिससे बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। इस बात को लेकर सचिन तेंदुलकर ने भी कई बार खुलकर इस स्टेडियम के बारे में कहा है कि स्लाइड का कुछ सुझाव होना चाहिए। और अगले नंबर पर बात आती है धोनी और DRS। इस मैच के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा हुई DRS की, जो कि धोनी ने इंडियंस के पारी का 14वां ओवर चल रहा था कि पीयूष चावला की गेंद पर सौरभ तिवारी के खिलाफ LBW की अपील हुई और एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट कहा, लेकिन विकेट के पीछे खड़े धोनी ने सीधे ही DRS लेने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों गेंदबाज पीयूष चावला इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं लग रहा था कि धोनी का फैसला सही है, और DRS आने के बाद धोनी का फैसला गलत साबित हुआ और शायद ये इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ होगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों जो सबसे बड़ी चर्चा की बात रही वो थी सभी खिलाड़ियों का आगे आया हुआ पेट। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि लगभग हर एक व्यक्ति ने जो कि कल का मैच देख रहा था, सभी ने एक बार नोटिस की है और ये बात क्रिकेट के रिकॉर्ड में भी साबित की गई है, क्योंकि जब फिटनेस ट्रेनिंग के लिए सभी खिलाड़ियों को तैयार किया गया था उस समय जाँचा गया कि सभी का जो वज़न है वो पहले से ज़्यादा ही पाया गया, जिसमें दोस्तों MS धोनी की शानदार बॉडी तो आपको देखने को मिली होगी, लेकिन रोहित शर्मा की फिटनेस और वहीं पे कई ऐसे प्लेयर भी हमें देखने को मिले जो कि पहले से ज़्यादा भारी भरकम नज़र आ रहे थे, और ऐसे में लोगों का ध्यान इस पर काफ़ी ज़्यादा गया। इसी के साथ ही दोस्तों, अपने हमेशा गुड लुकिंग के लिए जाने जाने वाले मुरली विजय का लुक देखकर सभी फैंस हैरान थे, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि कल के दिन जो मुरली विजय का जो लुक था वह लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर भी बातचीत चल रही है कि उनका ऐसा लुक का आखिरकार कारण क्या है। अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों डू प्लेसी के शानदार 3 कैच दोस्तों जिसने मैच बदल कर रख दिया। डू प्लेसी के कुछ कैच तो ऐसे तीन में से जिनको कर पाना शायद किसी के लिए भी काफ़ी बड़ी मुश्किल है, लेकिन डू प्लेसी ने साबित कर दिया कि शानदार बैट्समैन के साथ ही शानदार फील्डर भी है। इसी के साथ ही दोस्तों एक चीज़ सबसे ज़्यादा चर्चा में रही कि वो है सैम करन का बयान जो कि धोनी के लिए आया। उन्होंने MS धोनी को इंडिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बताते हुए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फिनिशर कहा और वहीं पे बताया कि वो एक तरह के जीनियस है और हाथों हाथ अपने सारे फैसले ले लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों कई शानदार मोमेंट हमें कल के मैच में देखने को मिले। अब दोस्तों आपका फेवरेट मोमेंट इनमें से कौन सा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि IPL से जुड़े और भी अपडेट्स आप जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।